जी अस्सलाम वालेकुम। C Fab 6 Lecture 3 का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना पहला स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था, ये से 200 जो रिलेट करता था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बाद आई एस ए 210। ठीक है, पहले 200 के बारे में कुछ थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं करना चाह रहा हूँ। आई एस ए 200 हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हाँ, हमने ये स्टडी किया था कि ISA 200 हमें ये बताता है कि आपने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। ग्रेट, फिर ये बताता है रीजनेबल अश्योरेंस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। उसने कहा उसके लिए आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे ISAs को कंप्लाई करना पड़ेगा। दो उसने खास तौर पे कहा रूल्स ऑफ या सेट ऑफ रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है आपको, एक ISAs को और दूसरा कोड ऑफ एथिक्स को। ठीक है, ISAs में उसने ये कहा समटाइम ऐसा होगा कि कुछ रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसमें आपका कसूर नहीं है। अक्सर अगर आप ISA की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं ना करते तो इसमें आपका कसूर है, लेकिन दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें आप ISA की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे लेकिन उसके बावजूद आपका कसूर नहीं माना जाएगा। वो दो सिचुएशन कौन सी? पहला, जब कोई रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो। दूसरा, जब रिक्वायरमेंट नॉट प्रैक्टिकेबल हो। मेन कंसर्न पिक करना है आपने। रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट का मतलब क्या है कि वो ISA, हर ISA जो ना उसके कुछ सरकमस्टेंस, जैसे कुछ ISA ऐसे हैं जो आपने हर सूरत में अप्लाई करने करने हैं, लेकिन कुछ ISA ऐसे हैं जो कंडीशनल हैं। कुछ ISA कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब क्या है कि वो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। अगर वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है आपके क्लाइंट पे, ऑडिट क्लाइंट पे, तो फिर आप उसको पूरा करेंगे वरना नहीं करेंगे। अगर तो कंडीशनल ISA है और वो जिस सिचुएशन को डिस्कस करता है वो आपके ऑडिट क्लाइंट पे एग्जिस्ट करती नहीं, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे, वो रिक्वायरमेंट हो जाएगी नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, जैसे उसकी एग्जाम्पल देता है ISA 610 में, वो कहता है कि जी इंटरनल ऑडिटर के वर्क को कैसे यूज करना है, लेकिन ये उस वक्त होगा अप्लाई रिक्वायरमेंट जब क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा। अगर हमारा क्लाइंट ऐसा है उसका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो क्या हम ISA 610 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो ये कहता है इंटरनल डिपार्टमेंट को चेक करो, उसकी कंप्यूटर वगैरह को कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक और स्टैंडर्ड है ISA 705 जो कहता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करना है, लेकिन अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या 705 की रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी? नहीं। ISA 700 अनमॉडिफाइड ओपिनियन को एड्रेस करता है, 705 मॉडिफाइड ओपिनियन को एड्रेस करता है। अब दोनों में से जाहिर है एक रिपोर्ट में एक ओपिनियन होगा, दो तो होने से रहे। तो अगर आप अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो 705 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर, क्यों नहीं करना? नहीं वो क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, रेलिवेंट ही नहीं। यह है नॉट रेलिवेंट। क्लियर? जैसे ISA 501 है, उसमें इन्वेंट्री के बारे में बात करता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है। अगर हमारे क्लाइंट की इन्वेंट्री ही नहीं है, सर्विस सेक्टर है, या हमारा क्लाइंट ऐसा है इसका कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट ही नहीं है, तो क्या 501 की इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है? नहीं है। नॉट रेलिवेंट हो गया, नॉट रेलिवेंट। क्लियर? अब नॉट प्रैक्टिकेबल सुने। नॉट प्रैक्टिकेबल उस सिचुएशन को कहते हैं जब रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर, जैसे 501 की हमने एग्जांपल दी जो कि इन्वेंटरी की वेरिफिकेशन के बारे में हमें बताता है कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना है डिफरेंट सिचुएशन में। अब इन्वेंटरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, हम कहेंगे 501 नॉट रेलिवेंट है। एग्जिस्ट कर रही है किसी वजह से, जैसे लॉकडाउन की वजह से, हम उसको फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पा रहे, ये नॉट प्रैक्टिकेबल है। नॉट रेलिवेंट में स्टैंडर्ड ने हमें कहा है किताबों में, वर्किंग पेपर में सिर्फ इतना लिख दें नॉट रेलिवेंट और आगे चले। नॉट प्रैक्टिकेबल में स्टैंडर्ड ने कहा है सिर्फ नॉट प्रैक्टिकेबल लिख के आगे नहीं जाना। हाँ, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते लेकिन इन्वेंट्री तो है। आप किसी दूसरे तरीके से, किसी भी दूसरे प्रोसीजर से आप वेरीफाई वेरिफिकेशन की कोशिश करें, उसमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें रट्टा लगाना है जैसे कैफ एट में लगाते थे? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इस हद तक रट्टा लगाना है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं बताइए अश्योरेंस के कितने लेवल हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में अश्योरेंस के कितने लेवल डिस्कस हुए बताएं? तीन। कौन कौन से? लिमिटेड, रीजनेबल, एब्सोल्यूट। इतना को रट्टा लगाना है बस। आगे आपको कैफ लेवल पे हम रीजनेबल अश्योरेंस की डेफिनेशन भी याद करते थे, लिमिटेड अश्योरेंस की डेफिनेशन भी करने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ सकता क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा, केस स्टडी आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हमारी जान छूट गई। कैसे? कंसेप्ट्स को सिर्फ फोकस करना है, रटा के ऊपर फोकस नहीं करना। कंसेप्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए,
ध्यान में रखिएगा। हाँ, जो मेन पॉइंट्स है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट ये कहे सर ये लेवल ऑफ एश्योरेंस याद करना, ये भी तो एक तरह से रटा है, इतना को रटा लगाना पड़ेगा कि आपको बड़े बड़े पॉइंट, बड़ी बड़ी हेडिंग याद हो। जैसे कभी कहीं पे इनहेरेंट लिमिटेशंस लिखना पड़ जाए तो आप कोई तीन चार बताने के काबिल हो, और वो भी आप अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं, ठीक है, अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं। तो लिमिटेड यानी बहुत ही कम मेन कंसेप्ट की हद तक रटा लगाना पड़ेगा, वरना आपने सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने हैं और सोचना है इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे होगी। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, अब अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं ये कभी भी नहीं पूछूंगा आपसे कि बताइए रिक्वायरमेंट कब रेलिवेंट होती है, कब प्रैक्टिकेबल होती है, कब नॉन रेलिवेंट, कब, कभी भी नहीं पूछूंगा। मैं आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे दूंगा जिसमें आपके लिए प्रोसीजर परफॉर्म करना मुश्किल होगा, और मैं पूछूंगा बताइए क्या करते हैं, क्या आप ये लिखते हैं कि हम इसमें कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे, या कि ये लिखते हैं अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और फिर मैं आपसे एज एग्जामिनर ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताएं, सर प्रोसीजर नंबर वन ये करेंगे, नंबर टू ये करेंगे, नंबर थ्री ये करेंगे, ठीक है। वो स्टेशन टू स्टेशन आपको पता है प्रोसीजर वेरी करते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपने कंसेप्ट, दो चीजें हैं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं सर सीफीएफ सिक्स में पास होने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कहूंगा दो चीज, एक कंसेप्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, और दूसरा प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ज्यादा टेस्ट करवाता है, अगर आप देखें ना तो आप मैच करने बैठे तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा ना, वो स्टैंडर्ड में से आपको नहीं मिलेंगे, वो आपकी जजमेंट वैल्यूएट करा। कंसेप्ट वही है लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में आपसे उसकी एप्लीकेशन करवाता हूं उन कंसेप्ट्स की, ठीक है। तो दो चीजें नोट कर ले, क्या कंसेप्ट, जजमेंट, नो रटा, नो रटा, कोई जरूरत नहीं है, क्लियर जी। अच्छा मुझे ये बताइए, मजीद आपका कोई क्वेश्चन है? चले मेरा क्वेश्चन है, हमने आईएसए 200 पढ़ा है, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डील करता है, आपने मुझे बताना है आईएसए 200 कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस करता है, सिर्फ मेन कंसेप्ट बताते जाए, फ्रेमवर्क बताता है, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क क्या है, शाबाश, चार फ्रेमवर्क, आगे चले, फ्रेमवर्क के अलावा क्या बताता है, लेवल ऑफ एश्योरेंस बताता है, वो तीन है, ठीक है, की रिक्वायरमेंट्स, क्या की रिक्वायरमेंट्स है स्टैंडर्ड की, आईएसए 200 क्या कहता है कि अगर आपने रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ टेन करनी है आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी पड़े, प्रोफेशनल जजमेंट के बगैर ऑडिट नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपको एग्जाम में जो भी केस स्टडी देगा अनसीन होगी हमेशा, क्यों, आपसे प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करवाना चाह रहा है, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर, कंप्लायंस विद आईएसए, वो कहता है हर आईएसए और कोड ऑफ एथिक्स ये ही आपका सिलेबस है, और सिलेबस में है क्या, और उसने हमें आईएसए 200 में बता दिया कि भाई सारे आईएसए पढ़ने हैं, कोई आईएसए छोड़ना ना, क्यों, क्योंकि हमने एज ऑडिटर हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। आपने काउंटिंग में शायद कभी एक रिक्वायरमेंट पढ़ी हो कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखना है ना, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, अगर ये लिखना है तो आप पे लाजिम है हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी के स्टैंडर्ड को अप्लाई किया और दिल किया तो नहीं अप्लाई किया और लिख दिया, ना 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 ना, ऐसे नहीं कर सकते, अप्लाई करना है आईएफआरएस को, अप्लाई करना है तो पूरे का पूरा अप्लाई करना है, पार्शियल एप्लीकेशन की इजाजत, ऐसे उसी तरह ऑडिट में भी सेम है, अगर आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा मैं ये लिखना है कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो आप पे लाजिम है क्या हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करें, हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करें, अनलेस नॉट रेलिवेंट और नॉट प्रैक्टिकेबल, ठीक है। आईएसए को भी पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, और किस चीज को, और कोड ऑफ एथिक्स को, कोड ऑफ एथिक्स, हाँ, तो वो हमें ये बताता है, ठीक है, ये हो गया, उसने बता दिया ये रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करनी है, और क्या बताता है, एविडेंस का भी तो जिक्र करता है, एविडेंस के बारे में क्या बताता है, एविडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए और सोर्सेज, लेकिन ज्यादा डिस्कशन नहीं करता आईएसए 200 में एविडेंस की, क्यों नहीं करता, ज्यादा डिस्कशन वो एविडेंस का अपना स्टैंडर्ड है, जो क्या नाम नंबर था 500 आईएसए 500 में डिस्कशन करता है। फिर एक और चीज कंसेप्ट ऐसा है जिसकी ब्रीफ डिस्कशन करता है, डिटेल नहीं करता, रिस्क असेसमेंट, वो सिर्फ टाइप्स ऑफ रिस्क हमें बता देता है और आगे निकल जाता है, क्यों डिटेल डिस्कशन क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका अपना स्टैंडर्ड है, जिसका नंबर क्या है 315, शाबाश, ये स्टैंडर्ड के नंबर आपको याद होने चाहिए, आईएसए 315 रिस्क असेसमेंट की बात करता है, और कोई आईएसए 200 हमें कंसेप्ट बताता है जो उन्होंने स्किप कर दिया, थ्री पार्टी रिलेशन, वो ये बताता है, उसमें खास तौर पे स्टेक होल्डर की एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, केस स्टडी में आएंगी एग्जांपल्स, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन गैप का एक कंसेप्ट था, क्लियर, ये सारी चीजें कंसेप्ट्स आपको पता है।
इन कंसेप्ट में से किसी के ऊपर भी केस स्टडी आ जाए, पहचान लेंगे कि ये कंसेप्ट डील हो रहा है इसमें। अच्छा चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। अच्छा, आज के लेक्चर के एंड पे आपको याद है हमने एग्री किया था कि क्लास में हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे और ड्राफ्टिंग भी करनी है। तो मुझे क्लास के एंड पे याद करवाना है, आज की क्लास में हम ड्राफ्टिंग और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है आईएसए 210। 200 था कल वाला, आज 210 है। आईएसए 210 का स्कोप क्या है, किस चीज को डील करता है, ये दो चीजों को डिस्कस करता है। पहला, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, इसमें दो अल्फाज हैं, एक है एक्सेप्टेंस, एक है कंटिन्यूअस। एक्सेप्टेंस का मतलब है फर्स्ट टाइम आपके पास कोई क्लाइंट आया, एंटिटी आई ऑडिट करवाने के लिए, उसके लिए बड़ी यूज करते हैं एक्सेप्टेंस, यानी इनिशियल ऑडिट। और अगर रिकरिंग ऑडिट हो, यानी पिछले साल भी हमने ऑडिट किया, इस साल दोबारा ऑडिट करवाने के लिए, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, कंटिन्यूअस। और जो कंसेप्ट हमारा इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट दोनों के लिए, दोनों पे अप्लाई होता है, तो फिर हम उस सूरत में एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस को लादा नहीं, एक ही फ्रेज के तौर पर यूज करते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। यानी वो इसमें बताता क्या, कहता है हर क्लाइंट जो आपके पास ऑडिट करवाने के लिए आए ना, आपने उसे फौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेना, आपने देखना है वो इस काबिल है भी कि नहीं कि आप उसका ऑडिट करें, इस काबिल है भी कि नहीं कि आप उसका ऑडिट करें। क्या काबिलियत कैसे पता चलेगी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, क्या वो इस काबिल है कि हम उसका ऑडिट करें, नहीं। तो फिर क्या काबिलियत देखनी है हमने एक्सेप्ट करने से पहले, ये हमें बताता है स्टैंडर्ड। कहता है सबसे ऑडिटर की जिंदगी के दो डिसीजन सबसे अहम होते हैं, एक किस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट, और दूसरा जिस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया उस पे टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा देना है, रिपोर्ट कौन सी देनी है। तो ये 210 हमें बताता है कि हम कैसे फैसला करेंगे कि हमारे पास जो क्लाइंट ऑडिट करवाने के लिए आया है हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। और मेन कंसर्न देना, हर आने वाले क्लाइंट को यस नहीं करना, नो करना सिखा, ये क्या करेगा आपको, नो करना सिखाएगा। आईएसए 210 क्या करेगा, आपको क्लाइंट को नो करना सिखाएगा और बताएगा किन सिचुएशन में नो करना। फिर दूसरा, जब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, इसके बाद या तो यस होगा या नो होगा, नो है कहानी उधर ही खत्म, और यस है तो आपने क्लाइंट के साथ रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने हैं। तो अगली चीज जो ये सिखाएगा, एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि जब आपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करना है किन चीजों का ध्यान रखना है, कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। क्लियर, आईएसए 210 हमें दो चीजें सिखाता है, कौन कौन सी, एक क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, और दूसरा अगर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा बताइए, क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर सिर्फ फ्रेश आने वाले क्लाइंट के ऊपर परफॉर्म करेंगे, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट अगर दोबारा ऑडिट कराना चाहे उन पे भी ये प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, दोनों पे, फ्रेश क्लाइंट पे भी, एग्जिस्टिंग पे, क्योंकि बाज का एग्जिस्टिंग क्लाइंट में भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाती है। तो पहले हम स्टडी करते हैं, अब उसूल के मुताबिक तरतीब से चलते हैं, पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स को एवेल्युएट करते हैं कि हमने क्या क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले किन चीजों को देखना है, ध्यान में रखिएगा। अगर किसी केस स्टडी में कह दे कि एबीसी कंपनी आपके पास आई है ऑडिट करवाने के लिए, आप उसके साथ फेमिलियर नहीं है, वाकिफ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, क्या हमें यह लिखना चाहिए चूंकि हमारे पास कोई इसके बारे में कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ना, किसी क्लाइंट को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना। तो अब हमें वो ये बताता है कि जब कभी आपके पास कोई भी एंटिटी ऑडिट करवाने के लिए आए, सबसे पहले देखना है आपने प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, ठीक है। इसे आप भी कह सकते हैं कि हम देखेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर भी कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर भी कह सकते हैं हम ये देखेंगे, हम क्या देखेंगे के एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, मैनेजमेंट प्रीमाइस पे एग्री करती है कि नहीं, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमने प्री कंडीशंस देखनी। असल में कुछ कंसेप्ट यहां पे डिस्कस हुआ है, कुछ कंसेप्ट किसी और जगह पे। वो ये कहता है, आपने सुन ले, जब कभी कोई भी क्लाइंट आपके पास आए, सर हमारा ऑडिट कर दीजिए, आपने कहा ठहर जाओ हम इवेल्युएट कर ले, आपने एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर में आपने ये देखना है क्या क्लाइंट की मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी, कहीं मैनेजमेंट में कोई दो नंबर बंदा, कोई फ्रॉड करने वाला बंदा, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, अगर कोई इस तरह के लोग हों तो हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरे नंबर पर आपने देखना है क्या हमारे पास सफिशियंट रिसोर्सेज कॉम्पिटेंस का लेवल है। तीसरे नंबर पर हमने देखना क्या हम क्लाइंट से इंडिपेंडेंट है।
फिर जाके इसके बाद हमने देखना है कि क्या प्री कंडीशंस भी हैं। प्री कंडीशन यानी यूं समझ लीजिए, प्री कंडीशंस हमारे एक्सेप्टेंस स्टेज का एक स्टेप है। तो फिर से बताइए, जब कभी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आया फर्स्ट टाइम, कहने लगा सर हमारा ऑडिट कर दीजिए, हमने क्या करना है, हमने देखना है उसकी मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी है, हमने देखना है हम कॉम्पिटेंट हैं, हमने देखना है इंडिपेंडेंट हैं, और फिर इसके बाद प्री कंडीशन, लफज प्री कंडीशन से ये स्टैंडर्ड एक्टिवेट हो गया। टू टेन कहता है मैं बताता हूं आपको प्री कंडीशन क्या होती है। अच्छा लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी इवैल्यूएट करनी है एक्सेप्टेंस स्टेज पे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी है कि नहीं, कहां से मिलेगा ऐसा थर्मामीटर जिससे इंटेग्रिटी चेक होगी मैनेजमेंट की, प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछेंगे। अच्छा और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो, उसने जवाब नहीं दिया तो अदर प्रोसीजर क्या होंगे, मार्केट से इंफॉर्मेशन लेंगे और सीईओ सीएफओ की क्वालिफिकेशन कैसे, वो इंटेग्रिटी में नहीं, ठीक है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये देखेंगे कोई की मैनेजमेंट में कोई बंदा इलीगल एक्टिविटीज मनी लॉन्ड्रिंग में, बड़ी आसानी से पता चल। एक दफा कोई गया सुंदर पिचाई के पास इंटरव्यू देने के लिए, गूगल का सीईओ ना, तो उसने सीवी उसके सामने रखा, सुंदर पिचाई ने कहा सीवी साइड पे रख दो, मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानता हूं और तुम्हारे बारे में इतना जानता हूं कि तुम्हारे घर वाले उतना नहीं जानते होंगे। कैसे, उसने कहा गूगल के ऊपर हर चीज की इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो चीज गूगल पे मौजूद नहीं समझ लो वो दुनिया में मौजूद नहीं। तो हम किसी भी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड सर्च कर लें, हाँ कुछ लोगों से भी पता कर लें, मार्केट के लोगों से मिलने जुलने वाले लोगों से, ठीक है प्रीडिसेसर ऑडिटर से, लेकिन बैकग्राउंड सर्च इंटरनेट सर्च भी आजकल आपको पता है एक अहम सोर्स है। तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के बारे में वैल्यूएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम खुद में क्या देखें, क्या हम में कॉम्पिटेंस रिसोर्सेज हैं कि नहीं, इसमें क्या चीज देखें, कैसे वैल्यूएट करेंगे, हमारे पास नॉलेज है उस सेक्टर का, जिस सेक्टर में कुछ सेक्टर क्लाइंट होते हैं ना टेक्निकल, ठीक है जैसे बैंकिंग सेक्टर है, जैसे इंश्योरेंस, जैसे हो सकता है क्लाइंट क्रिप्टो करेंसी में डील करता हो है? तो उसने अगर बिटकॉइन बाय किए हुए हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, अगर हमें इस बारे में नॉलेज है तो फिर ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट करें, नहीं नॉलेज तो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप समझते हो कि आपके पास इतना टाइम है कि आप रिक्वायर्ड नॉलेज गेन कर लेंगे। यानी ये नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम, दुनिया में अगर ये रूल होता कि किसी को एक्सपीरियंस के बगैर जॉब मिलेगी नहीं तो किसी को जॉब मिलती ही ना, क्यों भाई फर्स्ट टाइम के लिए तो एक्सपीरियंस जरूरी होता। तो स्टैंडर्ड ये नहीं कहता, कहता है पहले देख लें आपके पास नॉलेज है कि नहीं, कॉम्पिटेंस रिसोर्सेज है कि नहीं, अगर नहीं भी है लेकिन आप समझते हैं कि आप अरेंज कर लेंगे विद ड्यू टाइम तो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन फिर वो मीट करना उन रिक्वायरमेंट्स को आपकी जिम्मेदारी होगी। एक्सेप्टेंस में देख, इंडिपेंडेंस कैसे देखेंगे हम, हमने एक्सेप्ट करते हुए क्लाइंट को देख लिया, खुद को देख लिया, इंडिपेंडेंस कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, कोड ऑफ एथिक्स को सामने रखे, यहां पे कोड ऑफ एथिक्स सामने आया, कहता है इसकी कंप्लायंस देखो, मैं जो बातें कह रहा हूं वो मानो तो आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स किन क्लाइंट पे अप्लाई होता है, गलत, कोड ऑफ एथिक्स सारे क्लाइंट्स पे अप्लाई होता है, इंश्योरेंस एंगेजमेंट हो या नॉन इंश्योरेंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ क्लाइंट्स में एक्सेप्ट होती है कुछ में नहीं होती, जैसे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स एक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट में अप्लाई होती है, नॉन एश्योरेंस में अप्लाई नहीं होती, शाबाश। तो प्री, फिर इसके बाद हमने ये भी देख लिया, अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये देखना है। प्री कंडीशन में दो चीजें, प्री कंडीशन देखें एक्सेप्ट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है, प्री कंडीशन तो के बाद में, प्री कंडीशन पहले देखनी है, ऐसी शर्त जो पहले पूरा होना जरूरी है। कहता है दो शर्तें हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो और मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों पे एग्री करे, प्रीमाइज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना, प्रीमाइज का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है तो ठीक है एग्री करेंगे, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट से कहेंगे चेंज कर दो, करती है तो ठीक, नहीं करती तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एग्री करते हैं इससे। अब हमारी डिस्कशन यहां पे आके रुकी है, हमें कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, ये स्टैंडर्ड में आईएसए 210 में फिर एक अपेंडिक्स है, स्टैंडर्ड के ना कुछ अपेंडिक्स भी होते हैं,
अपेंडिक्स में वो हमें गाइड करता है कि हमें कैसे पता चलेगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या है? वो फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। खुद सोचे, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो फ्रेमवर्क ही गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी ऑटोमेटिकली गलत। इसीलिए उसने सबसे इस पूरे ISO 210 में उसने सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर जोर दिया ना, वो चीज क्या है भला? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कहता है कैसे पता चलेगा? कहता है आप डिसाइड करेंगे, कुछ फैक्टर्स को सामने रखेंगे, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स को। जैसे नेचर ऑफ एंटिटी, क्लाइंट आपका वो पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, फ्रेमवर्क कुछ और होगा। प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, फ्रेमवर्क कुछ और होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेमवर्क कुछ और होगा। ऐसे है ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी के लिए, कमर्शियल मल्टीनेशनल कंपनी के लिए और गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी के लिए फ्रेमवर्क सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हो सकता है एक्सेप्टेबल होगा ना। पाकिस्तान रेलवे गार्ड करने के लिए जाए शायद IFRS एक्सेप्टेबल ना हो, गवर्नमेंट है ना। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। नेचर ऑफ एंटिटी पे डिपेंड और नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी नॉट फॉर प्रॉफिट या पब्लिक सेक्टर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? जिनमें पांचों चीजें होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स एंड अकाउंट्स। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? खाली बैलेंस शीट या खाली इनकम स्टेटमेंट या खाली कैश फ्लो। अब देखिए, अगर सिर्फ कैश फ्लो बनानी हो तो IFRS थोड़ी अप्लाई करेंगे, वो तो बैलेंस शीट भी कहते होने चाहिए। इसका मतलब है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हाथ से फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट हो गई। पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या पर्पज है? वाइड रेंज के लिए, स्पेसिफिक यूजर के लिए। कल वाली बार वाइड रेंज के लिए है तो जनरल पर्पज फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होगा, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना रहे हो तो स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होगा। अगर जनरल यूजर्स के लिए, वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए बना रहे हो, स्पेशल बेसिस के बताइए एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, वेदर लॉ रेगुलेशन प्रेस्क्राइब द एप्लीकेबल फाइनेंशियल बॉडी फ्रेमवर्क। अच्छा, यहां पर वो कहानी को मजीद आगे लेके चलता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या भला? लीगल रिक्वायरमेंट। कहता है नॉर्मली अगर कोई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, तो नॉर्मली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लॉ को नॉर्मली समझते हैं कि ये ठीक बातें करता है, हालांकि कभी कभार नहीं भी करता। नॉर्मली क्या समझा जाता है? लॉ ठीक बातें करेगा। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है, तो नॉर्मली इसको क्या अज्यूम किया जाएगा? एक्सेप्टेबल है। कहता है लेकिन हमेशा नहीं, इसीलिए कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लो, कुछ फीचर्स देख लो। ये बहुत अहम कंसेप्ट बताया उसने। कहता है अगर फ्रेमवर्क ऐसा है ना जो कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर करता है, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करवाता है, जो रिलायबल इंफॉर्मेशन को इंश्योर करता है, न्यूट्रैलिटी के साथ, ना बायस नहीं होने देता अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले को, जो इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, अगर आपके फ्रेमवर्क में ये खसूसियात हैं तो आपका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। कुछ बात समझ आई? फिर से, क्लाइंट हमारे पास आया, सर ऑडिट कीजिए, क्या करना है? हमने उसको स्कैन किया, उसको स्कैन किया, इंडिपेंडेंस वगैरह देखी, फिर प्री कंडीशन देखनी है। प्री कंडीशन में पहली चीज क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सबसे ज्यादा है, चूंकि ये इसलिए इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहा हूं। कैसे पता चलेगा हमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं? हम डिफरेंट फैक्टर, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है हम आगे ऑडिट करेंगे, वरना यही में ना कर देंगे। तो इसका मतलब हमें क्लाइंट के बारे में जानना चाहिए, इसका क्लाइंट के नेचर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाई जा रही है, ठीक है, मकसद क्या है इनका, क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो एप्लीकेबल नहीं है, सारी चीजों को सामने रखा। अगर फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ है, नॉर्मली हम क्या अज्यूम करते हैं? नॉर्मली एक्सेप्टेबल है। लेकिन याद रखें, हमेशा ऐसे नहीं होगा। हमें उसने इसके साथ, अगर एक्सेप्टेबल, फॉर एग्जांपल अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, फिर कैसे पता चलेगा आपको कि एक्सेप्टेबल है? रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं, तो बाकी फैक्टर्स देखेंगे। शाबाश, बाकी फैक्टर्स कौन से हैं? इनकम्प्लीटनेस का मतलब क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फ्रेमवर्क इंश्योर करे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जा रही है, फ्रेमवर्क इंश्योर करे कि सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है,
रिलायबल, न्यूट्रल, यानी हम बायस होकर इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं कर रहे, ना ओवर एस्टिमेशन ना अंडर एस्टिमेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। जिस तरह कम्युनिकेशन के 7 चीज आपने पढ़े होंगे ना, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी तरह की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो एक्सेप्ट करेंगे, वरना क्लियर। अच्छा आप सुनिए, तीन सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। क्लाइंट आपके पास आया सर ऑडिट कर दीजिए, आपने कहा फ्रेमवर्क कौन सा भाई आपका, उसने कहा सर ये लॉ रिक्वायर करता है वही फ्रेमवर्क ऑप्ट किया, क्या वो फ्रेमवर्क आपके लिए एक्सेप्टेबल है? नॉर्मली एक्सेप्टेबल, ठीक है। दूसरा केस, क्लाइंट आया सर ऑडिट कर दीजिए, हमने कहा फ्रेमवर्क कौन सा, हमने कहा ये फ्रेमवर्क, हमने कहा लॉ रिक्वायर तो नहीं करता, उसने कहा नहीं सर लॉ ने रिक्वायर नहीं किया हुआ, हमने खुद से इस सिचुएशन में डिसाइड किया कि ये फ्रेमवर्क होना चाहिए, बताइए एक्सेप्टेबल है कि नहीं? डिपेंड करता है किस पे? इन फैक्टर्स पे, फीचर्स पे, अगर ये फीचर है तो एक्सेप्टेबल है वरना नहीं। अब सुनिए वो पॉइंट जहां पे आई कैप आपको लाता है, क्लाइंट आपके पास आया कहने लगा सर फाइनेंशियल में ऑडिट करिए, आपने कहा फ्रेमवर्क कौन सा, उसने कहा सर ये फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ है, आपने कहा अच्छा रिक्वायर्ड बाय लॉ, आपने कहा बिल्कुल रिक्वायर्ड बाय लॉ है, आपने देखा आपको पता चला है तो रिक्वायर्ड बाय लॉ, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है जो फ्रेमवर्क को एक्सेप्टेबल करते हैं। गैस कीजिए, गैस कीजिए फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल एक्सेप्टेबल है क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि फीचर्स पूरे नहीं कर रहा? स्टैंडर्ड ये कहता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कहता है क्लाइंट को ना ना करोगी, क्लाइंट को देख लो लीगल रिक्वायरमेंट, अगर आप अगर क्लाइंट को रिफ्यूज कर सकते हो, लॉ ने मना नहीं किया और रिफ्यूज करना तो कर दो, लेकिन अगर लॉ ने कहा नहीं फ्रेमवर्क यही होगा और ऑडिटर इसी फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑडिट करेंगे, तो फिर नॉट एक्सेप्टेबल होने के बावजूद आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, अगर फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है एक्सेप्टेबल, प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ नहीं है 5 का क्राइटेरिया देखेंगे, मीट होता है तो एक्सेप्टेबल करना नहीं, अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन, अगर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं होता, स्टैंडर्ड क्या कहता है? नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन यहां करना क्या है वो आगे चलेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। प्री कंडीशन में दो चीजें थी, एक फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा प्रीमाइस प्रेजेंट हो। प्रीमाइस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे याद आया आपने नहीं बताया था 200 के स्कोप में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट की? प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन, एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं, की वर्ड्स की कंसेप्ट याद होने चाहिए सिर्फ। मैनेजमेंट अगर एग्री करती है कि हाँ हमारी जिम्मेदारियां हैं तो ठीक है, और अगर मैनेजमेंट अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, क्लियर, तो फिर क्या करेंगे? रिफ्यूज कर देंगे। अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती क्या करेंगे? रिफ्यूज कर देंगे। प्री कंडीशंस क्लियर होगी, टिक कर दो जी। हाँ देखिए वो आगे फर्दर डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है कि मैनेजमेंट को ये कन्विंस करने की कोशिश की जाए सर ये आप ही की जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ही बनानी है, हमने नहीं बनानी। अगर वो एक्सेप्ट कर ले ठीक है, एग्री कर ले ठीक है, लेकिन अगर वो बिल्कुल एग्री नहीं करती, फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या? हमने कहा भाई आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे हम ऑडिट भी नहीं कर सकते। डन जी, ये एरिया क्लियर हो गया प्री कंडीशन का। तो मुझे बताइए आईएसए 210 कौन से दो बड़े इश्यूज को डिस्कस करता है? एक्सेप्टेंस प्रोसीजर को और एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करने को। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में हमने एग्री कर लिया प्री कंडीशंस, देखते हैं प्री कंडीशन में दो चीजें, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है और मैनेजमेंट एग्री करती है, प्री कंडीशन हो गया बिल्कुल ठीक। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट, स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। स्कोप लिमिटेशन बिफोर, स्कोप लिमिटेशन पता है आपको क्या? ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके, ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके। स्कोप लिमिटेशन नॉर्मली ड्यूरिंग ऑडिटराइज होती है, एग्जांपल दे सकते हैं स्कोप लिमिटेशन के ड्यूरिंग ऑडिट? मैनेजमेंट कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, फॉर एग्जांपल कौन सी इंफॉर्मेशन? स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए ना। मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ना करे और स्कोप लिमिट, ऑडिटर इन्वेंटरी को काउंट ना कर सके और अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस भी ना ले सके और
सोचे, कंफर्मेशन ना करने दे, रिकॉर्ड काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, ये सारी स्कोप लिमिटेशन है। ड्यू रिगार्डेड स्कोप लिमिटेशन अगर होना तो हम क्या देखते हैं, उसका इफेक्ट क्या है। अगर उसका इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है, और अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारी डिस्कशन इस आईएसए 200 में नहीं है। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों नहीं है? 50 रुपीज प्राइस, हाथ उठा के पहले, क्योंकि अभी हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आईएसए 200 में तो अभी हमने 210 में अभी क्लाइंट को एक्सेप्ट किया ही नहीं। वो स्कोप लिमिटेशन को डिस्कस जरूर करता है, लेकिन कौन सी स्कोप लिमिटेशन को, ये जहन में रखे, कौन सी स्कोप लिमिटेशन को, बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस से पहले, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद वाली स्कोप लिमिटेशन आईएसए 705 में, पहले वाली 210 में। पहले क्या कहता है, कहता बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन पहले तो ये बताइए, कोई मुझे एक एग्जांपल दीजिए जब एक्सेप्टेंस से पहले स्कोप लिमिटेशन हो सकती है। पिछले ऑडिटर से कम्युनिकेशन नहीं करने दी, और कोई केस, ये भी बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, कि प्रीडिसेसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर ना लिखने दिया जाए, स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस है। हमारा एक क्लाइंट था, उसने फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया था, बड़ा क्लाइंट था, बहुत से फिक्स एसेट थे, किसी को पता ही नहीं था, वो गवर्नमेंट ओन एंटिटी, उसमें नॉर्मली इस तरह होता है, पता ही नहीं था कितने एसेट से किधर पड़े हुए हैं। और फिक्स एसेट रजिस्टर के बगैर आई कैप ने सिलेक्टेड ओपिनियन में ओपिनियन दिया है कि अगर आपके क्लाइंट का फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं हो रहा ना, आप फिक्स एसेट को वेरीफाई कर सकते, इम्पॉसिबल है, आपके पास डिटेल ही नहीं है कि कौन कौन सा फिक्स एसेट है क्लाइंट का, नहीं हो, क्योंकि फिक्स एसेट रजिस्टर में डिटेल है ना आपके पास। अगर मैं आपसे कहूं स्टॉक शीट नहीं है, स्टॉक को वेरीफाई करो, कर सकते हैं? कैसे करेंगे? हाँ जी, हाँ, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से। आप यूं कह रहे हैं कि सर अगर स्टॉक शीट नहीं है ना, तो हम प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको बना ले। आप ये कह रहे हैं सर फिजिकली स्टॉक काउंट कर लें, जो जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी लिस्ट बना लें, उसे बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लें, यही कह रहे हैं? क्लाइंट ने यही कहा, सर हम ना फिक्स एसेट रजिस्टर बना रहे हैं, हम फिक्स एसेट रजिस्टर बना, एक्सरसाइज शुरू करवा दी क्लाइंट ने, जितने भी उनके डिपो वगैरह थे, ब्रांचेस, उस पर स्टाफ भिजवा दिया, भी लिस्ट बना के लाओ। लेकिन ये एक्सरसाइज ऑडिट के एंड तक कंप्लीट नहीं हो सके, नहीं हो सकी। उनका सर बहुत ज्यादा काम है, कर रहे हैं, बताइए क्या स्कोप लिमिटेशन है? है, ये ड्यूरिंग ऑडिट है। फर्ज कीजिए क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया, अगले साल फिर अपॉइंट हो गए, लेकिन अपॉइंट होने से पहले क्या हमें पता था कि पिछले साल स्कोप लिमिटेशन है और इस साल भी हो सकती है? स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस का पहले से पता था? हमने क्लाइंट से पूछा, हाँ भाई फिक्स है, उसने कहा सर अभी भी काम चल रहा है। तो इंडिकेशन है कि चूंकि क्लाइंट के पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रही कंप्लीट, इस हिसाब से स्कोप, इसी सिचुएशन को आईएसए 210 डिस्कस करता है। 705 कहता है एक्सेप्टेंस के बाद अगर स्कोप लिमिटेशन आता है क्या करना है, 210 कहता है पहले क्या करना है, सुन ले पहले क्या कहता है, कहता है अगर एक्सेप्टेंस से पहले स्कोप लिमिटेशन हो तो एक काम आपने वही करना है जो बाद में भी करते हैं, क्या, कि देखेंगे उसका इफेक्ट मटेरियल है कि परवेसिव। मटेरियल परवेसिव तो जानते हैं ना, भूले तो नहीं ना, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो आपने क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देना, अभी तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये बिफोर एक्सेप्टेंस है, बिफोर एक्सेप्टेंस। तो आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन एंगेजमेंट लेटर में लिख दें कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि रूल ये है कि बैड न्यूज होना तो क्लाइंट को फौरन दे देनी चाहिए। ये समझ आती है रिक्वायरमेंट? क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देना, एंगेजमेंट लेटर में लिख देना है कि वी एक्सपेक्ट टू इशू क्वालिफाइड, और अगर परवेसिव और स्कोप लिमिटेशन एक्सेप्ट नहीं करना, अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, परवेसिव है, तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। हाँ, अगर स्कोप लिमिटेशन मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एंगेजमेंट लेटर में बताएंगे वी एक्सपेक्ट टू इश्यू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिर से सुने, क्विकली आंसर करना, टाइम कम है। ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, स्कोप लिमिटेशन आई, इफेक्ट मटीरियल है, कौन सा ओपिनियन, क्वालिफाइड। ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है, लेकिन ये स्कोप लिमिटेशन मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है, बाय सर्कमस्टेंसेस है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, दौरान में स्कोप लिमिटेशन है, और ये है बाय परवेसिव है बाय मैनेजमेंट, तो डिस्क्लेमर नहीं, विदड्रॉ करना है।
अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो ना तो फिर विड्रॉ करते हैं अगर प्रवेश में आता, ठीक है, ये बाद की बात कर रहा हूं, बाद की बात, ठीक है। तीन सिचुएशन, स्कोप एक्सेप्टेंस के बाद इफेक्ट मटेरियल है क्वालिफाइड ओपिनियन, इफेक्ट परवेसिव है स्कोप लिमिटेशन का डिस्क्लेमर, और इफेक्ट परवेसिव है और है भी बाय मैनेजमेंट तो फिर डिस्क्लेमर नहीं, फिर सीधा विड्रॉल, नहीं नहीं एडवर्स नहीं देना, ना ना एडवर्स तो मिसस्टेटमेंट के केस में विड्रॉ कर लें, हाँ कहें हम आप स्कोप लिमिटेशन हम ऑडिट नहीं करते, लेकिन ये कब है बात पहले सुने, अगर बिफोर एक्सेप्टेंस स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाई एक्सेप्ट कर लें, लेकिन रिपोर्ट में लिख दें एक्सपेक्टेड ओपिनियन क्वालिफाइड है। अगर एक्सेप्टेंस से पहले परवेसिव स्कोप लिमिटेशन है लेकिन भाई मैनेजमेंट नहीं है, एक्सेप्ट कर लें लेकिन लिख दें एक्सपेक्टेड ओपिनियन कौन सा है डिस्क्लेमर, और अगर एक्सेप्टेंस से पहले स्कोप लिमिटेशन है बाय परवेसिव है बाय मैनेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दो क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा पास पेपर, एक में सिंपल स्कोप लिमिटेशन थी, एक में उसने कहा प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर नहीं भेजने दिया, भेजने दिया क्या करेंगे भाई, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर मैनेजमेंट ने भेजने नहीं दिया तो यह कंफर्म हो गया मैनेजमेंट की तरफ से तो हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये, तो ये दूसरा कंसेप्ट भी हमारा इसके साथ ही कंप्लीट हो गया कि स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस हो तो क्या होगा। देखिए क्लियर, अब तीसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं एक्सेप्टेंस में, और ये इस पूरे 210 में सबसे अहम कंसेप्ट कौन सा बता, ये एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन। इसके ऊपर दो अपेंडिक्स हैं, इतना अहम है, दो अपेंडिक्स है स्टैंडर्ड में इसके ऊपर, सबसे अहम ये। दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम है ना वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एडिशनल कंसेप्ट। ये अटेंटिव होकर पढ़िएगा, आपने इससे पहले ये कैफ लेवल पे नहीं पढ़े हुए, जैसे ये मेरा ये फीचर्स भी आपने कैफ लेवल पे नहीं पढ़े हुए, ये नहीं पढ़ा हुआ, इसके एग्जांपल भी नहीं। एडिशनल कंसीडरेशन, सिचुएशन ध्यान से सुननी है, लेकिन उसे जाने से पहले मुझे तसल्ली करा दे, ये कंसेप्ट क्लियर है ना आपका, कि कोई क्लाइंट हमारे सामने आए, हमने पहले इंडिपेंडेंस कॉम्पिटेंस वगैरह देख लेनी है, फिर देखना है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, देखना है फैक्टर्स जिसमें वो कहता है लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी लीगली रिक्वायर्ड है तो जल्दी एक्सेप्टेबल, और अगर लीगली रिक्वायर्ड नहीं है तो क्राइटेरिया देखना है। अगर अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, एक्सेप्ट ना करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी लॉ ये कहता हो कि नहीं ऑडिट करना ही करना। इस सूरत हाल में फिर मजीद कंडीशन है कि हम एडिशनल डिस्क्लोजर देते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि ओपिनियन देते हुए ट्रू एंड फेयर व्यू के वर्ड ना आए वगैरह वगैरह, ये फ्रेमवर्क की बात है। अब अगली बात आपने ध्यान से सुननी है, एडिशनल कंसीडरेशन, इफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का जैसे IFRS फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट आर सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है ही है, उनके साथ है लोकल रिक्वायरमेंट भी है लॉ की। ये कौन सी एग्जांपल बनी, जैसे पाकिस्तान की है, कैसे पाकिस्तान में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए IFRS है और उसके साथ साथ कंपनी एक्ट भी यूज होता है। ये सिचुएशन समझ आए, फिर से पढ़े देखिए, समझ आया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सप्लीमेंटेड है लोकल, किसकी माने, यानी IFRS भी एप्लीकेबल है और कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल है, किसकी माने, ये गलती की आपने लॉ की कहते, स्टैंडर्ड कहता है दोनों की, दोनों की बातें मानो अगर कंफ्लिक्टिंग नहीं है। देखिए एक होता है IFRS ने कहा 10 चीजें डिस्क्लोज करो, लोकल लॉ ने कहा 2 और कर दो, इसको लॉ कहता है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ कैन बी मेट थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर। आप दोनों की बात मान सकते हैं, दोनों की का लड़ाई तो कोई नहीं, मान सकते हैं कि नहीं। जब कभी किसी भी फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट भी हो तो हमने देखना है हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या लोकल लॉज के, दोनों, ये सवाल है।
स्टैंडर्ड कहता है अगर तो दोनों की रिक्वायरमेंट में टकराव नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, यानी आप सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, तो दोनों आपके फ्रेमवर्क बन जाएंगे। जैसे अगर पाकिस्तान में आईएफएस भी है, कंपनीज एक्ट भी है, दोनों की रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनीज एक्ट आईएफएस की रिक्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, सिर्फ इतना कहते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर दे दो, या चॉइस को नैरो करते हैं। चॉइस नैरो करने का मतलब क्या, सुने जरा सुने, आईएफएस कहता है फाइफो के ऊपर इन्वेंटरी वैल्यू कर लो या वेटेड एवरेज के ऊपर, कंपनीज एक्ट कहता है सिर्फ फाइफो के ऊपर करनी है। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन क्या दोनों की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सकता है? कैसे? फाइफो के ऊपर वैल्यूएशन करने, दोनों की पूरी हो गई, कंफ्लिक्ट तो नहीं आया, टकराव तो नहीं आया, एक की बात मानने से दूसरे की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। इस सूरत हाल में फ्रेमवर्क क्या होगा वाला? दोनों हम लिखेंगे दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड 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 कंपनीज एक्ट। लेकिन ये तब जब एडिशनल डिस्क्लोजर आएगा, अगर एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं आएगा फिर ये नहीं लिखना, फिर ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर ये भाई समझ रहा, आईएफआरएस ने कहा 10 रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट ने कहा 2, हमने 10 2 12 होनी चाहिए, हमने आईएफआरएस की 10 लिख दी, कंपनीज एक्ट की 1 लिख दी। क्या मैं ये लिख सकता हूं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट? नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। समझ आ रही है बात की? आगे चले, ये तो है जब दोनों की रिक्वायरमेंट्स हैं और उनका आपस में टकराव नहीं है, कंफ्लिक्ट नहीं है। अब सुने, अगर दोनों रिक्वायरमेंट्स का आपस में कंफ्लिक्ट है, आप कंफ्लिक्ट को एडिशनल डिस्क्लोजर से रिमूव नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल सुने, अब ये वाली एग्जाम्पल है पाकिस्तान के, पाकिस्तान में आईएफआरएस भी है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है। आप बता सकते हैं कि लिस्टेड कंपनीज के लिए हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट यूज करते हैं, कंपनीज के लिए फॉर्मेट यूज कर, वो IS-1 ने दिया हुआ ना, IS-1 में फॉर्मेट। लेकिन कंपनीज एक्ट का 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल भी है। पाकिस्तान में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बनती है बताएं जरा? कंपनीज एक्ट के मुताबिक, IS-1 के मुताबिक तो नहीं बनते। IS-1 या तो आप फॉर्मेट उठाएंगे कंपनी जेट का या IS-1 का, और दोनों तो नहीं ना करते। पाकिस्तान में किसके मुताबिक बनती है? IS-1 की खिलाफ वर्जी हो गई। ये है व्हेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ कैन नॉट बी मेट थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर। कंफ्लिक्ट है दोनों में, लेकिन उस कंफ्लिक्ट को दोनों की बात मान के नहीं। अब देखें, वाले साहब कुछ और कहें, वालदा साहबा कुछ और कहें, क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, अगर दोनों की रिक्वायरमेंट में कंफ्लिक्ट नहीं है तो वाले साहब कहें शाम को घर से बाहर नहीं जाना, वालदा कहे जल्दी सो जाया करो रात को, दोनों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है, तो दोनों करेंगे। हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा? दोनों। लेकिन अगर दोनों की रिक्वायरमेंट्स में कंफ्लिक्ट आ जाए, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं अपने वाले साहब का भी कहना मानता हूं और वालदा साहबा का भी। फिर तो आपको कोई एक डिसाइड करना है और अपने फ्रेमवर्क को अमेंड करना है उसके मुताबिक। अब बताइए, पाकिस्तान में कंपनी एक्ट को फॉलो करते हैं ना, लोकल लॉस को, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? सुन के बताइएगा, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड कंपनी एक्ट। आईएफआरएस एक लगाएंगे, कहेंगे 200 में तुझे कंसेप्ट दिया तो था क्या कि मेरी माननी है तो पूरी माननी, या आईएसए वाला पूरी माननी है, आधी मान के बात ना करना कि मेरी बातें मानी, नहीं नहीं। तो मैं ये नहीं लिख सकता कि दीज फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। इसमें फिर ना हम फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन को अमेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ दी, क्या करते हैं? फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन को अमेंड कर देते हैं। क्या लिखते हैं? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, एज एप्लीकेबल। अब मुझे खुद बताइए, आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट में और आईएफआरएस एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान में फर्क है कि नहीं? यही है, ये डिस्क्रिप्शन अमेंड हुई, ये डिस्क्रिप्शन अमेंड हुई। भाई ये बात समझ आई? फिर से पढ़िए, अहम कंसेप्ट है, इसलिए आपकी तवज्जो इधर दिलाना चाह रहा हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है सप्लीमेंटेड बाय, सप्लीमेंट का मतलब एडिशनल और चीज भी है कोई जिसको पूरा करना है, लॉ रेगुलेशन। ये क्लियर हो गया? या तो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर, वालिद वालदा दोनों की बात मानी जा सकती है, मान लो और लिख दो दोनों की बात मानी है, या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो लॉ की कैन नॉट बी मेट थ्रू एडिशनल डिस्क्लोजर, तब क्या करना है? लोकल लॉ की बात माननी है, ठीक है? लेकिन फिर हमारी डिस्क्रिप्शन
चेंज हो जाएगी, और अगर डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं की तो फिर गलत है ये चीज, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है। क्लियर? चलिए ये तीसरा, ये हमारा अहम हिस्सा क्लियर हो गया, एक दफा देख लिया। हाँ एक एक चीज हो रहा है कि ये तो था ना, जब लोकल लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए एंट्री मारे, ये कंसेप्ट क्या है? लोकल लॉ ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को IFRS को डिस्टर्ब किया। ये कंसेप्ट क्या है? लोकल लॉ ने ISAs को डिस्टर्ब किया। इन दोनों में फर्क ध्यान में रखिए। ये क्या है? ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। भाई लॉ की कैसे मजाल ये हो गई कि वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेस्क्राइब करे? लॉ की इतनी हिम्मत? हाँ लॉ की इतनी हिम्मत, कर सकता है, लॉ की मर्जी है ना, जो मर्जी कर। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लॉ ने प्रेस्क्राइब की हुई है सारी तकरीबन वही जो ISA 700 में है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, पहले फर्क ज्यादा होता था, अभी भी थोड़ा सा फर्क है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं SCCP की, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली। पाकिस्तान में जो स्टैच्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो ISA 700 का नहीं है, वो SCCP ने अलहदा से दिया हुआ है। बजाहिर तकरीबन चीजें सेम है, लेकिन उसने उसमें कुछ अपनी चार आइटम्स मजीद ऐड की हुई है, और एक दो और चीजें भी है, और भी फर्क है। एक तो डिफरेंस ये है ना कि प्रॉपर बुक्स एडिशनल रिक्वायरमेंट्स लोकल ये ऐड करवाई है उसने, एक और भी है कि ISAs ये कहते हैं नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में आना चाहिए, ये कहते हैं सब में डालो, तो थोड़ा सा फर्क है, मोर देन 90% सिमिलैरिटी है, लेकिन बाहर आपको पता है जरा सा भी फर्क आ जाए स्टेटमेंट बदल जाते हैं। तो पाकिस्तान में ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक ट्रूली IFRS के मुताबिक बनती है, थोड़ा बहुत चेंज है, और ना ही ऑडिट रिपोर्ट ट्रूली ISAs के मुताबिक है, थोड़ा सा चेंज है। अब ये दूसरा कंसेप्ट यही है, ऑडिट रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, एंड देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये कंसेप्ट, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लॉ ने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब तो किया है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। ISAs की वैल्यूएशन नहीं हो, कहता है अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगी ना, इसकी एग्जाम्पल आपने जहन में रखनी है। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट का मतलब यह है कि ISAs ने कहा है आपने ऑडिट रिपोर्ट में रीजनेबल अश्योरेंस का वर्ड लिखना है, लेकिन लोकल लॉ कहते हैं आपने रिपोर्ट में मैक्सिमम अश्योरेंस का वर्ड लिखना है। लोकल लॉ ने क्या कहा? मैक्सिमम अश्योरेंस लिखो। अच्छा बताइए, अब डिफरेंस है ISA के फॉर्मेट में और लोकल डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट है, उसी का मैक्सिमम, मैक्सिमम से तो मुझे यूं लग रहा है जैसे एब्सोल्यूट कह रहा हो। नहीं आपको नहीं लग रहा? नहीं आपको क्या लग रहा है? मैक्सिमम का मतलब रीजनेबल ही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना, आप कुछ और समझ रहे हैं, इसी तरह कुछ यूजर में भी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे क्या कहता है? कहता है ठीक है, स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, मैं कहता हूं ठीक है मैक्सिमम का मतलब एब्सोल्यूट अश्योरेंस आप नहीं, लेकिन मैक्सिमम का मतलब बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेना कि रीजनेबल है, ये भी तो गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहता है जब रिपोर्ट लॉ प्रेस्क्राइब करे और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो इतना कि मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपने देखना है क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट में दे के इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कम किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो स्टैंडर्ड कहता है मैक्सिमम का वर्ड यूज कर दो, आगे ब्रैकेट में लिख दो मैक्सिमम मींस रीजनेबल अश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। नहीं, लेकिन बाजू का तो लॉ पता क्या कहता है? लॉ कहता है आपकी ठुकाई भी करूंगा और हिलने भी नहीं दूंगा। लॉ क्या कहता है? ठुकाई भी करूंगा हिलने भी। लॉ ने कहा फॉर्मेट भी मेरा और खबरदार इसमें एक लफ्ज भी दाएं बाएं किया था। अब ये कौन सी सिचुएशन बन गई? एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन नॉट मिटिगेट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जब एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके, लॉ यहां पे फिर वही कहता है जो यहां पे कहता है। क्या कहता है? कि एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। एंगेजमेंट भाई देखे ISA क्या कहते हैं, ISA क्या कहते हैं यहां पे? कि एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन फिर ISA की कंप्लायंस ना शो करना। ये कंसेप्ट मिलता जुलता आ गया जो यहां पे था। यहां पे भी था फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है,
पहला उसने क्या कहा था, पहला स्टेप क्या करो, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है तो रिफ्यूज कर दो अनलेस रिक्वायरमेंट। तो यहां पे भी क्या कह रहा है कि अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव नहीं हो सकती तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट अनलेस, और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है फिर इधर हो तो फ्रेमवर्क एक्सेप्ट कर लो, इधर हो तो रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लो, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है फिर मेरा नाम ना लेना, फिर मेरा ना, फिर ये ना कहना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि हमने आईएसए के मुताबिक कंप्लायंस किया, मेरी बात तुमने कोई नहीं मानी, फिर कंपनी डेट का रेफरेंस दो। इधर भी तकरीबन यही बात कर रहा है वो तीन कंडीशन के साथ। क्लियर हुई है बात? ये हेडिंग पढ़ के मुझे बताया कंसेप्ट समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ रेगुलेशन, और आगे ऑडिट रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन, ये भी समझ आ गया, बस ये मेन कंसेप्ट हो गया। बाकी इसमें थोड़ी सी डिटेल है वो आज समझ आएगा, पता तीन कंडीशन वाली बात आती थी कैफेट में पढ़ते थे, ठीक है ये इसको रीड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा जी। ठीक है ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर अगर रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ ने दिया है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है आईएसए के फॉर्मेट से, लेकिन उस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होने की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना उसको रिमूव करने के लिए हमें इजाजत है एडिशनल चीजें लिखना चाहे रिपोर्ट में लिख सकते हैं। अगर एडिशनल चीजें लिख देते हैं तो क्या हम फिर ये लिख सकते हैं कि हमने ये ऑडिट आईएसए के मुताबिक किया है? लिख सकते हैं, क्यों? आईएसए की सारी रिक्वायरमेंट पूरी तो हो गई, आईएसए की रिक्वायरमेंट पूरी तो हो गई, हो गई हाँ एक्स्ट्रा के साथ हो गई। यही कंसेप्ट आईएसए 700 दे रहा है, कंसेप्ट बताऊं इसको इसके साथ लिंक कीजिएगा इस कंसेप्ट को। आईएसए 700 कहता है रिपोर्ट के अंदर ये 14 चीजें आनी चाहिए एनीवेयर, फिर आगे चल के कहता है अगर लोकल लॉ रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करते हैं और उसमें 16 चीजें हैं, कितनी एडिशनल, ये भी बात आ गई एडिशनल, तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि ये आईएसए के मुताबिक है? लिख सकते, क्यों? हालांकि एडिशनल चीजें हैं, लॉ कहते हैं एडिशनल ही है ना, मेरी भी तो बात मानी, तो लिख सकते हैं, दोनों खुश हो गए ये चीज तो हम लिख सकते हैं, हमने दोनों की बातें मानी, एग्रीड एडिशनल डिस्क्लोजर से। लेकिन जहां पे एडिशनल डिस्क्लोजर से बात नहीं बनती वहां पे नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए आगे सिंपल कंसेप्ट है और ये सारा ही हमने कैफेट में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं क्विकली गो थ्रू करवा रहा हूं फिर प्रैक्टिस की तरफ जाना चाह रहा हूं। एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, हमने देख लिया प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट एग्जिस्ट करती हैं, जी करती हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेप्टेबल है, जी है। मैनेजमेंट ने एग्री कर लिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां कबूल करती है और उनको पूरा करेगी, जी कर लिया। क्या कोई स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है? कोई नहीं, मैनेजमेंट ने इजाजत दे दी, हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखा उसने जवाब भी दे दिया। क्या कोई लॉज या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो आईएफआरएस को सप्लीमेंट करती हो इस मुल्क में? हैं जी। क्या इन रिक्वायरमेंट्स को हम आईएफआरएस को पूरा करते हुए इनको भी पूरा कर सकते हैं, कहीं कंफ्लिक्ट तो नहीं है? नहीं। या अगर थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट है भी तो एडिशनल डिस्क्लोजर से पूरा हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी क्लियर। एंड में ऑडिट बोर्ड का फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल करना है, आईएसए वाला के लोकल लॉ वाला? जी लोकल लॉज ने भी दिया हुआ है। अच्छा वो ज्यादा फर्क तो नहीं है? नहीं नहीं ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ज्यादा फर्क हो भी लेकिन एडिशनल डिस्क्लोजर की इजाजत हो जाए फिर भी ओके है। क्लियर? सारी चीजें ओके। क्या करें? क्लाइंट को हां कर दे, हां कर दे, क्लाइंट क्या कहेगा? एंगेजमेंट लेटर साइन करो। आईएसए 210 हमें मजीद फिर ये बताता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कुछ एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट आपकी मर्जी पे छोड़ देना चाहिए, जो मर्जी एग्री करें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मेट देना चाहिए कि भाई ये प्रिंट निकालो और ये चीजें एग्री करनी है, ये फॉर्मेट है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें स्टैंडर्ड कहता है, देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट में क्लाजेज होती है ना, क्लाज 1, 2, 3, 4, तो इसमें भी क्लाजेज है, तीन तरह की क्लाजेज है। एक स्टैंडर्ड बताता है वो चीजें जो दुनिया के हर एंगेजमेंट में लाजमी आएंगी, दूसरी वो चीजें जो लाजमी आएंगी लेकिन जब रेलिवेंट सर्कमस्टांसिस होंगी, कंडीशनल कंडीशन। तीसरी वो चीजें जो आपकी मर्जी है, चाहे इंक्लूड करे चाहे ना करे। एक एक एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टैंडर्ड कहता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईएफआर फ्रेमवर्क
ये लाजमी लिखो क्योंकि ये अहम चीजें हैं। फ्रेमवर्क तो सबसे पहले लिखो ना, फ्रेमवर्क तो हमने बड़े तसल्ली से चेक किया। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखो, क्यों? ये दोनों प्री कंडीशन में थे, लाजमी लिखो। और दो तीन चीजें हो रहा है जो आप रीड कर लीजिएगा, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैफ लेवल पढ़ा, प्रॉब्लम आए तो आपने पूछ लेना। कुछ चीजें हैं आपने तब इंक्लूड करना लाजमी है जब रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस अराइज हो। जैसे अगर आप समझते हैं कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है तो क्लाइंट की परमिशन लेनी चाहिए, लिख दो कि सर आपको इजाजत, सॉरी आपको त्रास तो नहीं है, इजाजत है हमें। अगर आप एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना चाहते हैं, एक्सपर्ट से याद है, तो क्यों बना लिख दो, क्योंकि एक्सपर्ट बाहर का बंदा है ना, कल को डायरेक्ट एतराज ना करें, सर हमने तो आपको पॉइंट किया था, आपने आगे किसको ये बंदा घूम फिर रहा है, हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इसको त्रास कर सकता है, ज्यादा ले लेनी चाहिए। शाबाश मेरा भाई, आपको 50 रुपए इनाम दूंगा। देखिए नाम तो इनाम ही है ना, अगर आप मुझे ये बता दीजिए ISA 200 एक कंसेप्ट डिस्कस करता है कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हुए हम कुछ अदर प्रोफेशनल्स को भी यूज कर सकते हैं। आपने कोई से 4 प्रोफेशनल्स बता दे कौन हो सकते हैं इंटरनल ऑडिटर के अलावा, इंटरनल ऑडिटर के अलावा, वो तो बोल दिया ना, 4 लॉयर हो सकता है, ठीक है, या इसको एक्सपर्ट कह ले, नहीं बेसिकली इसीलिए मैंने एक्सपर्ट बोल दिया है क्योंकि एक्सपर्ट में सारे एक्सपर्ट आ जाते हैं, लॉयर भी वही है, वैल्यूअर भी वही है, आईटी का एक्सपर्ट भी उधर ही आ गया, एक एक्सपर्ट और नहीं पढ़ा कल जाके 200 और एक्सपर्ट हो गया, बताइए प्रीडिसेसर ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर, रिव्यू क्वालिटी नहीं, क्वालिटी का रिव्यू, सर्विस ऑडिटर, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सर्विस, सर्विस ऑडिटर और क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, रिव्यूअर करीब तरीन जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, वरना थोड़ी सी कमी थी। बहरहाल चलें ठीक है, हिम्मत की भाई पढ़ लें इसका, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज ये बताएं, नॉर्मली कैफलर में मेरी आदत ये होती है कि एक टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा कंसेप्ट अगर बात से बात निकले कोई तो वो भी मैं डिस्कस कर दिया करता हूँ। सीफैप में ऐसे रखें या सिर्फ स्टैंडर्ड के इर्द गिर्द, आगे चलते चल डिस्कस करते हैं, यानी अगर कोई और भी टॉपिक, ठीक है चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज का ध्यान रखूँ। तो अदर्स जो है हमने उनको अगर इंगेज करना है तो उनका जिक्र अपनी इंगेजमेंट लेटर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट के 3 हिस्से क्लियर हो गए, वो एलिमेंट जो हर लेटर में आएंगे, वो एलिमेंट जो इंक्लूड करना लाजमी है लेकिन जब रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस हो, और वो जो मर्जी, इसमें फीस है, मर्जी है चाहे एग्री कर क्लाइंट के साथ एग्री करें, मर्जी है ना भी करें, फीस फिर भी मिलनी है, ये अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड, क्लियर? अच्छा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आगे, फिर इसके बाद अगला कंसेप्ट रिकरिंग एंड कंपोनेंट ऑडिट। पिछले साल, अच्छा एक अजीब बात आपके साथ शेयर करने लगा, क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हर साल एग्री करना लाजमी है लेकिन हर साल एंगेजमेंट लेटर इशू करना लाजमी नहीं है। बात समझ आई? नहीं आई ना? क्या मतलब, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एंगेजमेंट लेटर इशू किया ही नहीं और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री कर ली? हाँ रिकरिंग ऑडिट है तो प्रीवियस वाली टर्म्स भी एप्लीकेबल हो सकती है, तो यही कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें क्या समझा रहा है कि अगर आपका रिकरिंग ऑडिट है आपको नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए कि पुराने से ही काम चलाना चाहिए? डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं कि नहीं। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट, जैसे ओनरशिप स्ट्रक्चर, जैसे फ्रेमवर्क में चेंज आया, नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज आया, जब सिग्निफिकेंट चेंजेस हो ना क्लाइंट में, तो फिर नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना है इस साल, चाहे पिछले साल इशू किया भी था। और अगर सर्कमस्टेंसेस में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है तो फिर पुराना ही चलेगा। रिकरिंग वाली बात समझ आई? फिर कंपोनेंट। अच्छा अभी आपने एक बोला था कंपोनेंट ऑडिटर बोला था, जब मैंने पूछा था कि अदर्स के वर्क को यूज करना, कंपोनेंट ऑडिटर क्या होता है? जो कंपोनेंट का ऑडिट करता है। कंपोनेंट ऑडिटर कौन है और कंपोनेंट कौन सा होता है? किसी क्लाइंट के डिफरेंट ब्रांचेस और सब्सिडरी, सब्सिडरी को भी कंपोनेंट कहते हैं, ब्रांच को भी कंपोनेंट कहते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो के ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं? बैठे ना, आपने कोई ऐसा क्लाइंट किया ऑडिट जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस हो? अच्छा अच्छा चले, तो कुछ जैसे जैसे अगर आप देखें बैंक्स है, बैंक इसकी क्लासिक एग्जांपल है,
बैंक की डिफरेंट ब्रांचेज होती है ना, क्या हमें एक ही एंगेजमेंट लेटर इश्यू करना चाहिए? अगर किसी क्लाइंट के कंपोनेंट्स हैं, जैसे बैंक है तो उसकी ब्रांचेस, या होल्डिंग कंपनी है तो उसकी सब्सिडरीज, हमें हर एक को कंपोनेंट, कंपोनेंट में दो कंपोनेंट इज इक्वल टू लिख ले ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज, क्या हर कंपोनेंट को अलग एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए कि एक ही कंपोनेंट सबके लिए काफी है, एक एंगेजमेंट लेटर सबके लिए काफी है? ये डिपेंड करता है लीगल रिक्वायरमेंट्स पे, स्ट्रक्चर पे, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है कंपोनेंट की, कंपोनेंट कितना को अपने मेन ऑफिस से इंडिपेंडेंट है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ब्रांचेस के केस में कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, और चूंकि सारी डिसीजन मेकिंग ब्रांचेस की हेड ऑफिस में हो रही होती है, तो अगर हमारा एक क्लाइंट ऐसा है जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो हम ब्रांचेस को अलग से एंगेजमेंट लेटर इशू नहीं करते, बेसिक कंसेप्ट है ये। लेकिन अगर हमारा क्लाइंट है उसकी सब्सिडरीज है, तो चूंकि हर सब्सिडरी एक अलग एंटिटी है जिसका ऑडिट होना है, तो अगर पूरे ग्रुप का हम ऑडिट कर रहे हो, तो पेरेंट कंपनी का एंगेजमेंट लेटर अलहदा से इशू करेंगे और सब्सिडरीज का अलहदा अलहदा इशू करेंगे एंगेजमेंट लेटर, क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी अलहदा अलहदा जानी है। ठीक है, रिपोर्ट भी अलहदा अलहदा, हाँ बाद में कंसोलिडेशन करके एक सबकी ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट भी बनेगी, लेकिन अलहदा भी रिपोर्ट बनेगी। और ग्रुप से मुझे याद आ गया आईएसए 600 ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, उनका ऑडिट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे होगा, ये आईएसए 600 बताता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए जी, ये हो गया, ये रिकरिंग ऑडिट पे एंगेजमेंट लेटर इशू करना है कि नहीं, क्लियर। कंपोनेंट्स हैं तो हर कंपोनेंट को अलग से एंगेजमेंट लेटर इशू करना है कि नहीं, ये भी क्लियर। तीसरा कंसेप्ट आज का, अगर एंगेजमेंट लेटर एग्री हो गया क्लाइंट के साथ और ड्यूरिंग ऑडिट क्लाइंट कहता है कि सर इसको चेंज कर दें, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या हमें चेंज कर देनी चाहिए कि नहीं? डिपेंड करेगा किस पे भला, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं चेंज की। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है चेंज एक्सेप्ट कर ले, वरना नहीं। और स्टैंडर्ड कहता है एक और चीज, रीजनेबल जस्टिफिकेशन के साथ साथ लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी देखनी है। जैसे अगर स्टेचुटरी ऑडिट है, इसके टर्म्स को क्लाइंट चेंज करने को कहता है, ये किसी भी सूरत में रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, चाहे क्लाइंट जो मर्जी कह दे, क्योंकि स्टेचुटरी ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशन तो रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है ना, वो तो चेंज नहीं करवा देंगे। लेकिन अगर नॉन स्टेचुटरी ऑडिट है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज, जैसे वो कहता है सर पहले ऑडिट कर रहे थे उसको चेंज करके रिव्यू कर दे, स्टेचुटरी ऑडिट है तो उसको चेंज करके रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेचुटरी ऑडिट लाने कहा तो स्टेचुटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो चेंज, और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है चेंज नहीं करना। और स्टैंडर्ड यही भी आगे बता रहा है कि अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो टर्म्स को क्या करो, चेंज कर दो। अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं किसके मुताबिक परफॉर्म करने हैं, न्यू टर्म्स के, जो रिपोर्ट देनी है किसके मुताबिक देनी है, न्यू टर्म्स को। और अगर चेंज रीजनेबल नहीं है, रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है, एक्सेप्ट ना करो, क्लाइंट काम करने एंगेजमेंट पे काम करो, अगर क्लाइंट काम करने दे, नहीं काम करने देगा तो क्लियर। ये था हमारा आईएसए 210, लेकिन मैं चाहता हूं आपके जहन में ना इसका एक खाका छप जाए। मुझे बताइए, आईएसए 210 बोर्ड की तरफ नहीं देखना, आईएसए 210 दो बड़े हिस्सों को डिस्कस, दो किन दो बड़ी सिचुएशन को डिस्कस करता है, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स को, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को। एक्सेप्टेंस में तीन इश्यूज कौन कौन से डिस्कस करता है, एक प्री कंडीशन, दूसरा स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस, और तीसरा एडिशनल कंसिडरेशन। जो है प्री कंडीशन, इसमें सबसे अहम कंसेप्ट क्या है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, और एडिशनल कंसीडरेशन में दो कंसेप्ट क्या बताता है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉज हो तो क्या करना है, और दूसरा ऑडिट स्टैंडर्ड बाय लॉ तो क्या करना है। और इसी तरह टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में वो क्या क्या बताता है, पहला टर्म्स कौन सी एग्री करनी है, फिर चेंज करनी पड़े तो क्या करना है, और फिर रिकरिंग ऑडिट और कंपोनेंट पे अलहदा से एंगेजमेंट लेटर इशू करना है कि नहीं करना। मेन कंसेप्ट क्लिक हो गया। अगर कोई भी केस स्टडी आ जाए जो इनमें से किसी कंसेप्ट पे बेस कर रही हो, पहचान लेंगे कि ये इशू डिस्कस कहां हुआ। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा हुआ स्टैंडर्ड कंप्लीट। अब आपको ना सिर्फ 5 मिनट की, और सच में सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक है, लेकिन इस ब्रेक में कोशिश करें कि क्लास से बाहर ना जाए, रिवीजन कर लें,
ये जो भी मैंने पढ़ाया ना, क्योंकि इसके बाद हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के तैयार है ना। हाँ, उसके साथ ही पेंसिल, कोई पेन कॉपी वगैरह सामने रख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए हमारी 5 मिनट की ब्रेक स्टार्ट होती है जी, अब पॉज कीजिएगा जी। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने ड्राफ्टिंग और पास्ट पेपर डिस्कशन सेशन की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चूंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो अटैम्प्ट 23 वाली देनी है, तो हमने क्लास में प्रैक्टिस करेंगे मैनुअल तरीके से, लेकिन आपको जो टेस्ट वगैरह होम असाइनमेंट दी जाएंगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ठीक है, जो आपने टाइप करने होंगे या वैसे अटैम्प्ट करने होंगे जैसे आपकी 23 की अटैम्प्ट होगी, ठीक है जी। अच्छा, तो अब आपके सामने मैं करूंगा क्या, तरीकाकार क्या होगा ये सुन लीजिए। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा मैं हर लेक्चर के एंड पे, आपने उनको पढ़ना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि ये पहला डिसीजन किस स्टैंडर्ड का है। आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना होगा अपने कॉपी पे, नोटबुक पे, क्वेश्चन का नंबर, फिर स्टैंडर्ड का नंबर कि ये किस स्टैंडर्ड से रिलेट करता है, 200 का है कि 210 का है कि 610 का है कि 600 का है, स्टैंडर्ड का नंबर लिखना। फिर उस स्टैंडर्ड में बहुत से कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं, तो आपने बताना है कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस कर रहा है, एग्रीड। अच्छा, अभी ना मैं आपकी प्रैक्टिस थोड़ा बेसिक लेवल की करवा रहा हूं, यानी बहुत ज्यादा आपसे चीजें लिखवा नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें लिखवाने बैठे तो क्लास का टाइम आपको पता है ज्यादा लगेगा, उस तरफ भी जाएंगे लेकिन अभी नहीं। तो आपने सिर्फ स्टैंडर्ड का नंबर लिखना है, जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो कंसेप्ट लिखना है, और सिर्फ उस कंसेप्ट से रिलेटेड 2-3 की पॉइंट्स, सिर्फ कंप्लीट वो सेंटेंस वगैरह नहीं, की पॉइंट्स लिख देने हैं जो इसको आंसर करते हुए आप अपने सॉल्यूशन में कवर करेंगे पॉइंट्स। सिर्फ इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये चूंकि सीफैप है, कैफ लेवल की केस स्टडी और सीफैप लेवल की केस स्टडी में जो बेसिक डिफरेंस है ना, एक वो ये है कि सीफैप की अक्सर केस स्टडीज में मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट हो रहे होते हैं, तो ये एन मुमकिन है कि किसी केस स्टडी में एक से ज्यादा स्टैंडर्ड या एक ही स्टैंडर्ड के एक से ज्यादा कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा है, आपने सोचना कहीं ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा है तो आपने सारे स्टैंडर्ड या सारे कंसेप्ट्स लिखने हैं और उनके की पॉइंट्स लिखने हैं, क्लियर। लेकिन आपके पास टाइम कम होगा, ठीक है, और टाइम इसलिए क्योंकि सर मैं की पॉइंट्स कहने को, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने को नहीं कह रहा, तो आपने ये नहीं कहना सर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 12 मिनट चाहिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको सिर्फ 3-4 मिनट दे दिया जाए, क्योंकि सिर्फ की पॉइंट स्टैंडर्ड का मैं देखना चाहता हूं आप सही पॉइंट तक पहुंच गए कि नहीं जो एग्जामिनर चाह रहा था, ठीक है। अलाइनमेंट अगर ठीक हो गई, बाकी सही जगह पे पहुंच गए, उसके बाद आगे आप चल सकते हैं, क्लियर। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके पास 2 मिनट हैं, इसको पढ़ना है और वही काम करना है जो मैंने कहा, स्टैंडर्ड कंसेप्ट और की पॉइंट्स। जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी सेम प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्लास में डिस्कशन हो अपने आंसर के आपने खुद सेल्फ वैल्यूएट करना है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उस पॉइंट पे पहुंचे कि नहीं। दिखाइए क्वेश्चन नंबर कितने का था, क्वेश्चन अच्छा ठीक है, आईएसए कह रहे हैं आप 200 और नेक्स्ट कंसेप्ट है 200 के अंदर रीजनेबल एश्योरेंस वाला, इसमें क्या पॉइंट्स आप मजीद ऐड करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस में, इसको सॉल्व करते हुए क्या सिर्फ ये लिखेंगे कि ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती, इनहेरेंट लिमिटेशंस भी लिखेंगे तो वो भी लिखने चाहिए आपको, अगर रीजनेबल एश्योरेंस के बजाय इनहेरेंट लिमिटेशन लिखते तो वो ज्यादा स्पेसिफिक और बेहतर आंसर की ऐसे 200 है पिक कर ले इनहेरेंट लिमिटेशन, शाबाश आपने क्या लिखा है रीजनेबल, ऐसे 200 शाबाश आपने क्या लिखा है
200 आपने कौन सा सिखाया? अच्छा 200 पे पहुंच गए आप, आपने एक्सपेक्टेशन गैप लिखा है, एक्सपेक्टेशन गैप भी इक्वली करेक्ट है जितना इनहेरेंट लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें देखिए मिस्टर ए गलतफहमी का शिकार है ना, वो ये समझता है कि जब ऑडिट हो जाए तो उसके बाद तो कोई मसला मसाइल हो ही नहीं सकता। क्लियर? आपने भी कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स कहा, कोड ऑफ एथिक्स हमें पढ़ाया भी नहीं, इसमें कोई इंडिपेंडेंस का मसला तो नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी का, क्या उसने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे सारे सीखने बैठे हैं और सीखने में कोई शर्म नहीं होती, तो बाद अवकात किसी स्टूडेंट को जब मैं कोई पॉइंट रेज करता हूँ ना, मेरी आदत है अगर इंडिविजुअल इशू होता मैं उसको डिस्कस ही नहीं करता, मैं इशू ही वो उठाता हूँ जो कि ज्यादातर स्टूडेंट का होता है। तो आपने ये नहीं समझना आइंदा कभी मैं अगर किसी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि जी मैं उसको इंसल्ट कर रहा हूँ उसकी, नहीं वो सबके लिए है, सब कलेक्टिवली आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक स्टूडेंट की गलती होती है वो अक्सर दूसरे स्टूडेंट्स की भी गलती होती है, और मैं पिक ही वो करूंगा एरर जो ज्यादातर स्टूडेंट्स की गलती होगी। इसमें आपको कैसे लगा कि ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है? उसे बताना ही नहीं चाहिए क्या? किसको? मिस्टर ए को जी। क्या नहीं बताना चाहिए था? नहीं उसने ये इन्वेस्टमेंट का, क्या ऑडिटर ने मिस्टर ए को इन्वेस्टमेंट का मशवरा दिया है? अगर ऑडिटर मिस्टर ए को इन्वेस्टमेंट का मशवरा देता ना फिर आपकी बात ठीक थी, लेकिन क्वेश्चन में देखें उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा नहीं दिया। देख लें अगर आपको लगता है तो आप बता दें आपने क्या किया है। रीजनेबल, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब सिर्फ आपने 10 सेकेंड के अंदर एक लफज लिखना है, इनहेरेंट लिमिटेशन या एक्सपेक्टेशन गैप में वो कौन सा एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है? नहीं एक्सपेक्टेशन गैप के अंदर ही कह ले, यानी एक्सपेक्टेशन गैप और इनहेरेंट लिमिटेशन तकरीबन एक ही चीज है, क्योंकि यूजर यही समझ रहा होता है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है उसको इनहेरेंट लिमिटेशन का अंदाजा नहीं होता। इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं ना करते, इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर बहुत से पॉइंट्स हैं। इस केस स्टडी पे सबसे अहम पॉइंट कौन सा अप्लाई हो रहा है? रीजनेबल है नहीं? इनहेरेंट लिमिटेशन के बहुत से पॉइंट्स हमने पढ़े, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन वगैरह वगैरह। तो वो कौन से वाला पॉइंट है जो मोस्ट रेलिवेंट है? एक पॉइंट लिखने को तो सारे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जजमेंट रिफाइन करना चाहता हूं, मुझे एक पॉइंट उठा के दीजिए, एक लिमिटेशन उठा के दीजिए जो मोस्ट रेलिवेंट है इस क्वेश्चन से, बता सकते हैं जी? ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होता, परसुएसिव होता कुछ एरिया। हाँ ये पॉइंट सबसे है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको वेरीफाई करना मुश्किल होता है, उसमें स्पेसिफिकली उसने गोइंग कंसर्न की एग्जांपल दी है, स्पेसिफिकली याद आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टू। ये रहा सेम स्टैंडर्ड लिखना है, कंसेप्ट लिखना है, अगर मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो लिखने हैं, इसमें चूंकि दो पार्ट हैं तो आपने दोनों पार्ट्स को अलग से लिखना। दो पार्ट्स है, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों का अलग अलग लिखे, चाहे सेम स्टैंडर्ड क्यों ना हो आपके ख्याल में। एक मिनट बाकी है।
जल्दी सेंड कर लो। जी दिखाइए क्या लिखा आपने। पहला पार्ट आपने लिखा है कि ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर से रिलेट करता है। पहला पार्ट आईएसए 210 है, प्री कंडीशंस वगैरह, ठीक है। स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस कैसे आपने कह दिया? उसी से रिलेटेड है कि अगर कोई प्री कंडीशन करते हैं ना। नहीं लेकिन क्या क्वेश्चन में उसने कोई ऐसी इंडिकेशन दी है जिससे आपको लग रहा हो कि स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस है? तो क्या वो कंसेप्ट हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं हिस्सा होना चाहिए। फिर आपने कहा दूसरा स्कोप लिमिटेशन सेकंड, व्हाट वुड बी रिटायरिंग राइट रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अबव। अच्छा ये आईएसए 210 में नहीं है, ये 200 में भी नहीं है। ये कहां पड़ा था? हाँ किसमें? कोड ऑफ एथिक्स में। शाबाश, ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है कि जब कभी चेंज इन अपॉइंटमेंट हो तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है भी, नहीं हमने पढ़ा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आ गया तो आपको याद तो होना चाहिए कि कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर करता है। अच्छा आपने क्या लिखा है 210? अच्छा कोड ऑफ एथिक्स ही लिख दिया आपने, प्रोवाइडिंग इनफॉर्मेशन, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट 210 में आपने लिखा है कि इसमें रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट लिखेंगे। नहीं, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्यों लिखेंगे? और वैसे भी 210 में रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट थोड़ी है, वो तो 200 में है। 210 में तो हम मैनेजमेंट से एग्री करवाते हैं कि 200 वाली रिस्पांसिबिलिटीज को मानो। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी 210 में नहीं है, असल में तो 200 में, 210 में उसका रेफरेंस आता है क्योंकि हमने लेटर साइन करवाते हुए उसमें लिखनी होती है। तो बहरहाल चलें ठीक है, मान लेते हैं सही आपका, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इसमें आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। साबित कर सकते हैं क्यों नहीं आनी चाहिए? पार्ट वन में रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्यों नहीं पूछी? नहीं तो किसकी रिस्पांसिबिलिटी पूछी है? एबीसी ऑडिटर की, मैनेजमेंट की नहीं पूछी। गौर से पढ़ने, एबीसी एंड कंपनी से मुराद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एबीसी एंड कंपनी से मुराद वो कंपनी नहीं है। क्लियर? अच्छा आपने कहा स्कोप लिमिटेशन सेकंड में, इन्होंने भाईजान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस है, कैसे? लेटर का जवाब नहीं, देखें क्लाइंट अगर मना करता है ना फिर स्कोप लिमिटेशन होती, क्लाइंट ने मना नहीं किया। अच्छा प्रीडिसेसर राइटर ने अगर जवाब नहीं दिया ना तो हम फिर अदर सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये नहीं पढ़ाया था कि डायरेक्ट कह देंगे ये स्कोप लिमिटेशन है। जब कभी हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाते, बताइए अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाते हैं या डायरेक्ट कह देते हैं स्कोप लिमिटेशन है? यहां पे अगर मैनेजमेंट ने मना किया होता ना कि लेटर ना लिखना प्रीडिसेसर राइटर को, हम डायरेक्ट कह देते कि स्कोप लिमिटेड वो मैनेजमेंट। लेकिन यहां पे मैनेजमेंट का कसूर थोड़ी है, वो ऑडिटर की मर्जी, उसका मूड खराब था, उसने कहा नहीं जवाब देता कर लो जो करना प्रीडिसेसर राइटर। तो हम क्या करते हैं फिर? अदर प्रोसीजर, गूगल सर्च, एविडेंस लेंगे। क्लियर? चेंज कहां पे? ऑडिटर चेंज कहां पे हो रहा है? क्या क्या चेंज हो रहा है? ऑडिटर चेंज हो रहा है इसमें? हाँ जी, हाँ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कोई इसमें और डिस्कशन करनी हो तो कर ले, पूछ ले, घर जाके कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको उस पॉइंट पे ना, मैं ये इंश्योर करना चाह रहा हूं कि आप सही पॉइंट पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर मैनेजमेंट भी मना करे फिर भी अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस कंसीडर करते हैं कि जो मैनेजमेंट अभी से पाबंदियां लगा रही है बाद में क्या करेगी। चलिए जी ये क्वेश्चन सेम,
क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा मेरे भाई ने, मुझे पता नहीं चल पाएगा कंसेप्ट कौन सा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। वो लिखा ही नहीं आपने, नहीं पॉइंट लिख लिखे, वो मैं मेन कंसेप्ट बताया ना पहले, लिमिटेशन। और ये आपने लिखा है लिमिटेशन में, एग्जांपल देते हैं फ्रॉड इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। नहीं इधर आई एस आई 200 को इनहेरेंट लिमिटेशन, उसके अंदर कौन से वाली लिमिटेशन मोस्ट रेलिवेंट है इससे। माइटर डज नॉट चेक 100। अच्छा आई एस आई 200 पे पहुंच गए, इनहेरेंट लिमिटेशन में भी आप पहुंच गए, उससे आगे नहीं जा पा रहे। स्टैंडर्ड किधर लिखा है आपने थोड़ा सा। हाँ शाबाश, नहीं पढ़ के आए आई एस आई 200, नहीं पढ़ के आए है ना। अच्छा वहां तक पूछते पूछते सोच नहीं गए थे। आई एस आई 200 का क्वेश्चन है करेक्ट, इनहेरेंट लिमिटेशन पे बेस कर रहा है करेक्ट। इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर कौन सी चीज इसमें सबसे ज्यादा रेलिवेंट है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाली, कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको वेरीफाई करना खास तौर पे डिफिकल्ट होता है। और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि हम सैंपल बेस में काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स हो सकता है, मैनेजमेंट ने खुद ना बताया वगैरह, लेकिन मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट कौन सा है? एक और पॉइंट है जो किसी स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया, वो ये कि इनफैक्ट ये जो इशू है ना, ये मिसस्टेटमेंट नहीं, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। उसने ये नहीं कहा कि लोन दिया था और बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, उसने कहा है बैंक के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। तो जब क्लाइंट के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता, वो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस होती है, और ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये शामिल नहीं है। इसका एक दूसरा वैलिड पॉइंट ये था कि इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है जो ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल नहीं होती। लेकिन बहरहाल अगर आप इनहेरेंट लिमिटेशन तक पहुंच गए तो भी अच्छी कोशिश थी, लेकिन कम से कम रिलेटेड पार्टी तक पहुंचना चाहिए था आपको। चलिए आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी क्वेश्चंस हैं बहुत। अच्छा ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, ये पाकिस्तान में है ना, कराची के करीब है कहीं? ये जो है एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड ब्रिटिश वर्जन, ये नहीं कराची के करीब नहीं है। अच्छा जीवन है ना, क्या चल तो जब सॉल्यूशन व्यू करूंगा फिर आपको बताऊंगा ये सवाल क्यों पूछा था। इसमें जिस 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 स्टूडेंट का मोर देन 50% आंसर करेक्ट हुआ उसको ₹50 का इनाम इस क्वेश्चन में।
कर लिया आपने? क्वेश्चन फॉर एक मिनट है, ये आईएसए है, आईएसए आईएएस नहीं, आईएसए। आइए से आपने लिखा है प्रीमाइज, आपको यहां पे कहीं लग रहा है कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों से इनकारी है? लग तो नहीं आता, पर ये हम लेंगे तो फिर भी बताएंगे तो नहीं वो तो ले, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड बताएं ना। केस स्टडी में, केस स्टडी के गिवन इंफॉर्मेशन तक रहते हैं ना। सप्लीमेंटेड बाय लोकल लॉज, क्वेश्चन में उसने कहीं पर यह इंफॉर्मेशन नहीं दी। सप्लीमेंटेड बाय लोकल लॉज वाले, लोकल लॉज, एक मिनट ठहरे। अपॉइंटमेंट फॉर द ईयर एंड दैट इज फॉलोइंग लोकली डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नहीं नहीं, वो कह रहा है लोकली डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके लॉज में फर्क है, ये नहीं कहा। उसने लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात किया सिर्फ, तो ये लॉ वाली बात नहीं आनी चाहिए। सप्लीमेंट बाय लॉ, आइए से 210 लोकल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या एक्सेप्टेबल है? चेक करेक्ट, ठीक है। ये सिर्फ एक इशू है, अच्छा ऊपर भी है। आईएसए 200 में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंपनी, प्रोवाइड करते रहे इंफॉर्मेशन, वो इनकारी थोड़ी है। स्कैन कॉपीज है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक भेज रहे हैं, तो स्कैन कॉपी में क्या मसला है? सर हमने पढ़ा 210 में कि इंफॉर्मेशन आपको उसकी प्लेस पे लेनी है या जहां दो चार भी कमी हो। अब कुछ जान है लेकिन 50% क्रॉस करने वाली नहीं। 200 में आपने कहा इनहेरेंट लिमिटेशन, यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन कहाँ से आ गई? तो क्वेश्चन नंबर यार खुदा का ऊपर करें। आईएसए 2 आपने कहा एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर, क्या इस केस स्टडी में एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर एलिमेंट है? एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर एलिमेंट है, कैसे पता चला एलिमेंट है? वो कह रहा है योर फर्म हैज रिसेंटली अप्रोच किया है एक इनकम, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहे हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर एलिमेंट है बिल्कुल, किस स्टैंडर्ड में लिखा? 210 में। और दूसरी चीज क्या, कॉम्पिटेंस, क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के साथ हम काम कर सकेंगे? ये कैसे आपने अंदाजा लगाया कि हमारे में ड्यू कॉम्पिटेंस है कि नहीं? हाँ ये भी ठीक है, रेलिवेंट है कि उसने कहा लोकल डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो हमारे पास उनके लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखा आपने? क्या एप्लीकेबल फ्रेमवर्क क्या है, क्यों फ्रेमवर्क किस लिए चाहिए आपको? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करेंगे सबसे पहले? एक्सेप्ट, तो फ्रेमवर्क के आगे पूरा लिखे ना। मैं असल में एक लफ्ज आपसे सुनना चाह रहा हूँ जो आप नहीं, आप कह रहे हैं हम फ्रेमवर्क को चेक करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फ्रेमवर्क में क्या चेक करेंगे कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये लिखे। और 210 का क्वेश्चन है, प्री कंडीशन है एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये तो आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इसको फर्दर एलिबोरेट कर दिया ना, किसके फीचर्स देखेंगे। मेन पॉइंट तो आपने एक ही उठाया कि हमें इस पॉइंट पे देखना चाहिए इनका फ्रेमवर्क हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये आपका मेन पॉइंट है। आपके क्या पॉइंट्स हैं? आईएसए 210 है, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर करेक्ट, और कुछ भी नहीं। एक्सेप्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ठीक है। एडिशन सप्लीमेंटेड बाय लोकल लॉज, के लोकल लॉज की रिक्वायरमेंट हो सकती है फ्रेमवर्क में, यहां पर लोकल लॉज की बात कर नहीं ना रहा, यहां पे कहां कर रहा है लोकल लॉज की बात? कहीं पे वो कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ लोकल लॉज भी इन्वॉल्व हैं, तो लोकल लॉ वाला कंसेप्ट कैसे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? लोकली डेवलप्ड है, लोकल लॉज नहीं है। चलो आप दिखाइए, आपने क्या लिखा है? 200 फ्रेमवर्क जनरल है, फ्रेमवर्क का देन है 210 एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, ठीक है। ये क्या है सोर्स? आपने क्या लिखा है? हाँ नहीं, आपका भी चेक, आपका 40-45% के करीब इन भाईजान ने सबसे ज्यादा सही पॉइंट दिए हैं, शाबाश। अब इसको डिस्कस करते हैं, इसमें जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, क्या ये हमारा नया क्लाइंट है? एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, यस। आईएसए 210 का पॉइंट क्लियर। दूसरी चीज, क्या इसका फ्रेमवर्क वही है जो हमारा नॉर्मली होता है हमारे मुल्क का? अगर वही होता तो हमें फ्रेमवर्क के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये दूसरे मुल्क का फ्रेमवर्क के मुताबिक, क्या हमें ये देखना है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं अकॉर्डिंग टू लोकल लॉज, लेकिन सप्लीमेंटेड बाय लॉ नहीं है, ऐसे घुमाए ना मुझे। क्या हमें ये, एक हमने देखना है क्लाइंट को एक्सेप्ट करना कि नहीं, वो इसमें रेलिवेंट डिसीजन।
दूसरा ये डिसीजन कि इसका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये भी रेलिवेंट। तीसरा, अच्छा और एक इन्होंने और एडिशनल पॉइंट बताया जो आई कैप के सूचना में भी नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट है, क्या हम इस फ्रेमवर्क के कंपिटेंस रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो इसमें रेलिवेंट है वो है एविडेंस, ये है क्या हम सफिशियंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर पाएंगे, क्योंकि आईएसए 500 ये कहता है कि फोटोकॉपीज आर लेस रिलायबल देन ओरिजिनल। 200 में भी एविडेंस का जिक्र है कि वो सफिशियंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, आप 200 में लिख सकते थे, 500 स्पेसिफिकली कहता है। हाँ जी, और सेंडिंग में। तो ये चार इश्यूज इस क्वेश्चन में थे जो आपने डिस्कस करने थे, कौन कौन सा, नया क्लाइंट है, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, और फ्रेमवर्क उसका डिफरेंट है जिसके साथ हम फेमिलियर नहीं है, तो एक हमने देखना क्या हम सफिशियंटली कंपिटेंट होंगे, और दूसरा क्या फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और फिर एविडेंस, क्योंकि जो उसकी फोटोकॉपी वाला इशू है ये उसके अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। चार इश्यूज पकड़ लिए आपने, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। कंप्लीटेड जी, स्टार्ट कीजिए, आप भी कहिए आपने क्या लिखा, नहीं लिखा, नहीं बोल सके, नाकाम। स्टैंडर्ड है 210, कंसेप्ट कौन सा, ऑडिट रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, कहां पे कह रहा है कि लॉ ने रिपोर्ट को प्रेस्क्राइब किया है, लॉ ने रिपोर्ट के हवाले से कोई रिवीजन नहीं की, लॉ ने ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से रिवीजन किया क्या, वो जो रेगुलेटरी बॉडी ने जो अमेंडमेंट की है वो इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, ऑडिट बोर्ड की है ही नहीं, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती थी, गलत साइड पे चले गए। आपने क्या लिखा, कंफ्लिक्ट विद लॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब मेन क्या था, हेडिंग कंसेप्ट बोल गया आपको मेन, एडिशनल कंसिडरेशन के अंदर दो एग्जाम्पल थी ना, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली थी स्टैंडर्ड वाली, एक बोर्ड वाली थी, कौन सी है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स कैन मिटिगेट मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो आप रिपोर्ट वाली साइड पे चले गए, ये रिपोर्ट वाली नहीं थी, कहां पे लिखा है पूरे क्वेश्चन में, मुझे कोई इंफॉर्मेशन बता दे जिसमें वो कह रहा हो कि रेगुलेटर ने रिपोर्ट को अमेंड किया,
रेगुलेटर ने रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है, मुझे पूरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दे, 100 रुपया इनाम दूंगा। वो तो ऑडिटर कर रहा है ना, ऑडिटर मॉडिफिकेशन कर रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन होगा या रेगुलेटर तो नहीं कर रहा। ऑडिटर की मॉडिफिकेशन वो तो 705 वाली कर रहा है ना, कि मिस स्टेटमेंट है, तुमने सही काम नहीं किया। हाँ जी, देख कौन सा है, आपने कौन सा लिखा है? हाँ जी, आपने कौन सा, आपने भी। हाँ, ये कंसेप्ट बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लोकल लॉस वाला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वाला है, रिपोर्ट वाला नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए क्लाइंट आगे क्या रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मिनते कर रहे हैं कि भाई कोई रास्ता निकालो कि मॉडिफाइड ओपिनियन से मुझे बचा लो, कोई रास्ता निकालो। क्या कोई रास्ता है? क्या अगर एडिशनल डिस्क्लोजर से दोनों की रिक्वायरमेंट्स को, कंफ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता है तो फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन आए, क्योंकि कंप्लायंस विद बोथ शो करेंगे। और अगर एडिशनल डिस्क्लोजर से कंफ्लिक्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता, हाँ जी, तो फिर मॉडिफिकेशन ओपिनियन। क्लियर? yes, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके कंसेप्ट रिफाइन होते जाएंगे, आप एग्जैक्ट उन कंसेप्ट्स को, लेकिन याद रखिएगा जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना, आपके लिए डिसीजन करना मुश्किल भी होता जाएगा। क्यों भरा? क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे। अभी आपने सिर्फ दो स्टैंडर्ड में से चूज करना था, ज्यादातर दो स्टैंडर्ड में से कंसेप्ट उठाए हमने, 200 और 210। अब नेक्स्ट फिर इसके बाद मजीद स्टैंडर्ड ऐड होते जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम भी इसी तरह डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, जैसे जैसे रोज का एक एक स्टैंडर्ड ऐड हो रहा है, हमारी थिंकिंग में भी उसी तरीके से एडिशन होता जाएगा। क्लियर जी? अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 3 दिन के बाद। आपने इस 3 दिन के अरसे में एक तो आपको जो एप्लीकेशन गाइड दी है 200 की भी 210 की, इसमें सारे क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यूज हैं, चाहे ट्रू फॉल्स हैं, चाहे रिप्रोडक्शन का, चाहे केस स्टडी, पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन केस स्टडी वाले आप अटेम्प्ट भी कीजिए रिटर्न में। ठीक, अब ये डिपेंड कर रहा है, चूंकि आप कैफ के छोड़ नहीं है, मैं जिम्मेदारी नहीं लगा रहा आपकी, या लाजमी नहीं करार दे रहा, ये अब आपने खुद फैसला करना है कि अपनी जॉब, जो भी आपकी जॉब रूटीन चल रही है उसके मुताबिक कितना को टाइम लगा सकते हैं। लेकिन आपने मुझे ये कमिट किया होगा कि 8 से 10 घंटे हर हफ्ते आपने देने हैं, ठीक है, तो इतने टाइम में बड़े आराम से ये हो सकता है। और इसके साथ साथ आपने जो कैफ लेवल पे ऑडिट बोर्ड वाला टॉपिक होता था ना, जो हमारी बुक होती थी उसमें चैप्टर 4 है, और आई कैफ वाली बुक में कौन सा चैप्टर होता था, 15 था, 14। हाँ, तो जिस भी बुक से आपने ऑडिट रिपोर्ट का पढ़ा हुआ कैफ लेवल, आपने उसकी सारी रीडिंग करके आनी है। नेक्स्ट वीक के स्टैंडर्ड बहुत, समझ गए, कमाल के स्टैंडर्ड, कंसेप्ट्स भी टेक्निकल है, ये तो जरा बेसिक कंसेप्ट्स है ना, आप समझ रहे होंगे, दो लेक्चर लेंगे तो सारा आसान है, सीखा तो बहुत आसान, इसलिए क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही वो बेसिक स्टार्ट करना था ना, वार्म अप करना था आपको, तो कंसेप्ट ही हुए जो पहले पढ़े हुए। वैसे रिपोर्ट में भी तकरीबन 70% कंसेप्ट हुआ जो पढ़े हुए, लेकिन अब उनको आगे लेके जाना है, और कुछ नई चीजें भी आ, संडे को नहीं है, मंडे को क्लास, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 3 दिन, 6 से 4 दिन है, चलो मेहरबानी भाई, 3 वर्किंग डेज के बाद क्लास होगी, यूं कह लेते हैं 3 वर्किंग डेज के बाद, तो नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी। आपने ऑडिट रिपोर्ट वाला कैफ वाला मटेरियल लाजमी पढ़ के आना है सारा, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी होते थे, मॉडिफिकेशन एंड ओपिनियन भी होता था, अब गोइंग कंसर्न भी होता था, एमसीसी ऑफ मैटर, अदर मैटर भी होता था, और की ऑडिट मैटर भी होता था, ये सारा पढ़ के आना है आपने। वो एक चैप्टर था, लेंथी था थोड़ा, लेकिन 4 दिन भी तो है आपके पास, 4 दिन भी है, तसल्ली से रीड करके आए, रीड करके आएंगे, चूंकि आपको पता है कंजेक्टिव लेक्चर होते हैं ना, और 2 घंटे की क्लास होती है, तो ज्यादा मटेरियल कवर होता है, तो अगर पहले से पढ़ के आएंगे ना, तो आपको बर्डन फील नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे सर ये चीज तो पढ़ी हुई, ये चीज तो आपके लिए नई चीजें कम होगी, लेकिन अगर पढ़ के नहीं आएंगे, चीजें सारी क्लास में मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन फिर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होगी ना, आपके लिए उसको पिक करना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि, लेकिन पढ़ के आएंगे तो इंशाल्लाह फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? प्री रीडिंग करके आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, अब हम रिपोर्टिंग की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमने ये फैसला किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें वो पहले करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चीजें हैं पहले करेंगे, तो हम रिपोर्टिंग की तरफ जाने लगे। क्लियर? बेसिक कंसेप्ट हमने कर लिया, तो आपने पढ़ के आना है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, अगले 2 वीक हमारे रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड पे 6 क्लासेस लगेगी। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।